हेलो गाइस, दिस इज मी यामिनी सक्सेना और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा मेकअप ट्रिक। और आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू अप्लाई अ विंग लाइनर। और विंग लाइनर क्या होता है, आई होप आप लोग को पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ। जब भी हम अपना जैसे ऐसे साइड से विंग्स निकालते हैं थोड़ा सा शार्प, तो उनको कहते हैं विंग लाइनर। तो मैंने देखा है बहुत से लोगों का लाइनर कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपका लाइनर एकदम परफेक्ट जगह पे लगेगा और वो बहुत ही अमेजिंग सा लगेगा। और ये जो विंग लाइनर है, ये अभी ट्रेंड में है, या आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस पे या फिर कोई भी इंडियन ड्रेस पे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे सिर्फ एक मिनट के अंदर विंग लाइनर लगाना, और वो एकदम अमेजिंग होगा। तो मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करिए और सीखिए विंग लाइनर लगाना। देखिए मैं ये पेन ले रही हूँ, इसको बोलते हैं बॉब पेन, और बहुत सारे लोग इसको बॉबी पेन भी कहते हैं। तो हमें फर्स्ट एक ये लेना है बॉबी पेन, और एक हम लोग को लेना है कोई भी लिक्विड लाइनर। आपके पास जो भी लिक्विड लाइनर हो वो चल जाएगा। तो ये मेरे पास लिक्विड लाइनर है, और अब मैं दिखाती हूँ हमें कैसे लगाना है ये विंग लाइनर। तो ये देखिए मैंने ले ली है ये बॉब पेन, या फिर बॉबी पेन आप कुछ भी कह सकते हैं। और इसके हम लोग जो साइड में ऐसे अपना लाइनर, जो लिक्विड लाइनर हमारे पास है, इसको लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे जिससे एक ही बार में हमारी वो शेप में आ जाए। तो ये मैंने इस पे लाइनर लगा दिया है, और अब जो जिस साइड हमने लाइनर लगाया है, तो जो लंबा वाला हिस्सा होता है इसका, ये देखिए ये लंबा वाला है, ये छोटा वाला है। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, नीचे लंबा वाला है और ऊपर छोटा वाला है। तो अब हमें इसकी शेप कैसे रखनी है अपने आईज के पास, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे वाला हिस्सा नीचे रहेगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर, ऐसे जस्ट आंखों के अपने साइड में हमें लगा देना है। बी केयरफुल कि आपके आंखों के अंदर वो ना लग जाए, और हमें ऐसे इसको लगा लेना है। ये देखिए अब हम इसको शेप दे देंगे। अभी बस ये है कि आपका जो विंग आपका ऊपर नीचे हो जाता है, वो आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम सेम जिस शेप में होना चाहिए उसी शेप में होगा। और इसी तरीके से हम अपने दूसरे साइड में भी लगा लेंगे। यहाँ मैं अपना लाइनर लगा रही हूँ इस पेन के ऊपर, और अब मैं फिर से इसको, जो लंबा वाला हिस्सा है वो नीचे रहेगा और जो छोटा वाला हिस्सा है वो ऊपर ही रहेगा। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है, अब मैं इनको दे दूंगी अच्छे से शेप। तो जो हमारे हमेशा विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, वो इससे हमारे ऊपर नीचे नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट जगह पे लगेंगे। बस हमें इनको ना जॉइन करना है, और आगे तक इसको लेके जाना है। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे साइड में भी बिल्कुल आगे तक इसको जॉइन कर लेंगे। और ना हमेशा लाइनर हमारा ना पीछे की साइड से मोटा होता है और आगे की साइड से पतला होता जाता है। और बाकी आप लोग को जैसा पसंद है आप वैसा लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लाइनर थिक लगाना पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक लाइनर लगाया है। और अगर आपको थोड़ा सा पतला पसंद है, तो आप आगे से ना उसको एकदम पतली लाइन बनाइए, मतलब पतला सा जॉइन कीजिए। मैंने थोड़ा सा इसको थिक जॉइन किया है, एंड अब मैं बस ये थोड़ा सा अपना लिप ग्लॉस लगाऊंगी एंड आई एम डन। सो हियर आई एम डन विद माई लाइनर एज यू कैन सी। So I hope you like this video, and if you like this video, please
do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Hangout with Yamini and stay tuned for my next vlog. So bye bye.